दुनिया कैसे हम कमा सकते हैं और आखिरत कैसे कमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक के अंदर है कि जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, जिसने अल्लाह को छोड़ दिया, जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह को ठुकरा दिया, उसके लिए अल्लाह दुनिया बहुत कठिन कर देता है। उसे कमाना वही माल है, कमाना 100 ही रुपया है, लेकिन दिन से लेकर रात तक मेहनत करेगा तब जाके वो 100 रुपया कमाएगा। और जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लिया, जिसने सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर अपने आप को चलाने वाला बना लिया, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि उसके लिए अल्लाह क्या है, दुनिया को सुकड़ा कर छोटा कर देता है। वही 100 रुपया जो 24 घंटा में वो कमाता, वो 2 घंटा में कमा के बैठ जाता है, अल्लाह की इबादत भी करता है, अल्लाह की मशगूलियत में, अल्लाह की इबादत की मशगूलियत में भी रहता है, दुनिया का काम भी करता है, अपना घर का कारोबार भी करता है, और साथ ही साथ क्या है, दुनिया भी कमा लेता है। जाहिर सी बात है, हमें इल्म सीखने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को अगर सही तरीके से चलाना है तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने अइम्मा इकराम से मोहब्बत रखना होगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं ये हदीस कह के मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन को जिसने सलाम किया, गोया उसने मुझे सलाम किया, जिसने एक आलिम दीन से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया, गोया जिसने आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा, और जो मेरे पास बैठा मैं कल क़यामत के दिन महशर के मैदान से उसके हाथ पकड़ कर अपने साथ उसको जन्नत के अंदर लेकर जाऊँगा। इसलिए दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अगर हमें अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सही कही तब हम मुसलमान हैं, और जब सही कही तो हम इस बात पर अमल करने की कोशिश करें, हम अपने उलमाओं से मोहब्बत रखें, उलमाओं से जब तक हम मोहब्बत रखेंगे तब तक हम सही रास्ते पर हैं। वरना प्यारे दोस्तों, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई हमें हिदायत देने वाला नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, के जितने भी उलमा है, वो अंबियाओं के वारिसीन में से हैं, अंबिया ने क्या विरासत छोड़ी, कोई मालो दौलत नहीं छोड़ा, कोई जालो ज़मीन नहीं छोड़ी, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगाम लेकर आया, जो पैगाम लोगों के लिए लेकर आया, लोगों को एक रास्ते पर लाने के लिए, एक अल्लाह का वादा, एक अल्लाह की पहचान कराने के लिए जो पैगाम लेकर आया, वो उलमाओं के ऊपर अल्लाह ने डाला, वो कुरान के ऊपर अल्लाह ने डाला। अब या तो कुरान से हम हिदायत पा सकते हैं या हम अपने उलमाओं से हिदायत पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं, प्यारे दोस्तों, अगर हम उलमाओं को छोड़ते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं, अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हैं, कुरान को पढ़ना छोड़ देते हैं, हदीस को पढ़ना छोड़ देते हैं, तो प्यारे दोस्तों, हमें गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। الحمد لله وحده من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم। स्टेज पर बैठे उलमाए इज़ाम, और बाहर से आए हुए मेहमानाने किराम,